गाइस, वेलकम टू भारत टेस्ट गुरु। एंड आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बताऊंगी आपको, यानी अनेक शब्दों के लिए आप एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। पहला है एग्नोस्टिक, मतलब वो जो जो भगवान पे भरोसा ना करे या उसके उसके होने पे भरोसा ना करे, उसे कहते हैं एग्नोस्टिक। इसके नीचे आप देख सकते हैं थीसिस्ट, मतलब जो भगवान के होने पे विश्वास करे। एथिस्ट, मतलब जो भगवान के एग्जिस्टेंस को ही मना करे। एग्नोस्टिक मतलब जिसको भगवान है, मतलब प्रूफ है नहीं है, उनको कुछ अभी पता नहीं, उसे बिलीव नहीं करते। तो आप बोल सकते हैं, इसको हिंदी में कह सकते हैं कि एथिस्ट मतलब हुआ नास्तिक, थियस्ट मतलब हुआ आस्तिक, और एग्नोस्टिक मतलब जिसको अभी श्योर नहीं है, उसका कोई ओपिनियन अभी नहीं है। एल्ट्रूरिस्ट मतलब जो मैनकाइंड से प्यार करने वाला हो, अ लवर ऑफ अ मैनकाइंड। जैसे यहाँ पे फोटो भी है मदर टेरेसा की, तो ऐसे लोगों को एल्ट्रूरिस्ट कहते हैं। एमेच्योर उसको कहते हैं जो वन हु डज अ थिंग टू प्लेजर, नॉट एज अ प्रोफेशन। एमेच्योर जिसको जिसको ज़्यादा ये नहीं हो, मेच्योर नहीं हो, उसे एमेच्योर कहते हैं। एम्बिडेक्सट्रियस मतलब वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ ईज, जो दोनों हाथों से लिख सके। अगर आपको याद होगा थ्री इडियट्स में, तो बोमन ईरानी दोनों हाथों से लिखते थे, तो वैसे लोगों को एम्बिडेक्सट्रियस कहते हैं। एनार्चिस्ट वैसे लोग, वन हु विल आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट पीस और ऑर्डर, वो लोग जो गवर्नमेंट के खिलाफ और या फिर शांति के खिलाफ या फिर लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ खड़े होते हैं, उन्हें एनार्चिस्ट कहते हैं। अगर एनार्चिस्ट जानना चाहते हैं तो आप ISIS या फिर जो ये माओवादी हुए, ये लोग सब एनार्चिस्ट हुए। अपोस्टेट अ पर्सन हु हैज चेंज हिज फेथ, कोई भी पर्सन जो अपना फेथ चेंज करता है उसे अपोस्टेट कहते हैं। आर्बिट्रेटर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, जैसे कि एक लीगल बैरिस्टर हो गया या फिर जज हो गए, जो अपॉइंट किया जाता है दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। एस्थेटिक मतलब वन हु लीड्स टू ऑस्टर लाइफ, जैसे गौतम बुद्धा हो गए जिन्हें मोक्ष मिल गया है, या फिर जो शांति या फिर अगला मतलब एक वो जीवन पे जी रहे हैं, उसे एक्सिस्टिक कहते हैं। एथिस्ट जैसे मैंने पहले बोला, जो भगवान पे भरोसा नहीं करते। बैंक्रप्ट बैंक्रप्ट उन्हें कहते हैं जो जिनके पास पैसे नहीं हो और जो अपना डेब्ट पे नहीं कर सकते। कुछ साल पहले अमिताभ बच्चन ने बैंक्रप्सी का ये किया था। लहमान ब्रदर आपको याद अगर हो, जब रिसेशन हुआ तो लहमान ब्रदर ने बैंक्रप्ट अनाउंस किया था अपने आप को, मतलब आपके पास पैसे नहीं है कि आप पैसे मतलब चुका सकें। बिगॉट बिगॉट मतलब वन हु फील्ड विथ एंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर, सो जो भी रिलीजियस मैटर में काफ़ी एंथुजियास्टिक हो, उसे बिगॉट कहते हैं। जैसे अभी होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ चॉइस, बीइंग अ रिलीजियस बिगॉट इज, तो इसमें लिखा है, इसका बोलने का मतलब ये है कि होमोसेक्सुअल जो है वो चॉइस नहीं है, पर रिलीजियन बिगॉट होना एक चॉइस होता है। तो आप जब रिलीजियन मैटर्स पे इंथुजियास्टिक उसको फॉलो करते हैं और कुछ किस तरह का ब्लाइंड फेथ नहीं रहते, उसे बिगॉट कहते हैं। बोहेमियन अ कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, जो लोग अनकन्वेंशनल मतलब कि जो कॉमन नहीं हो, उस तरह का जो जीवन जीते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को वेम्पायर्स या वेम्पायर सोसाइटी बना देते हैं, कुछ को लोग हैं जो खाना बदोश होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसे बोहेमियन स्टाइल ऑफ लिविंग कहते हैं। कैकोग्राफिस्ट वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, तो जो स्पेलिंग को नहीं अच्छे से लिख सकता है या गलत लिखता है, उसे कैकोग्राफिस्ट कहते हैं। कैनिबैल वन हु फीड्स ह्यूमन फ्लैश, कैनिबलिज्म है, जो इंसान नहीं अगर इंसान को खाता है उसे कैनिबलिज्म कहते हैं, जो आदमी को खाता है उसे कैनिबलिज्म कहते हैं। कार्निवोरस वन हु फीड्स फ्लैश, जो नॉनवेज खाता हो या जो एनिमल खाता हो उसे कार्निवोरस कहते हैं। शोविनिस्ट मतलब अ पर्सन हु ब्लाइंडली डिवोट टू एन आइडिया, मतलब कि अगर
बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पसंद नहीं है कि लड़कियां काम करें बाहर जाके, उसे कहते हैं मेल शोविनिस्ट। मतलब उनको उनका एक तरह का स्टीरियोटाइप है, आइडिया है कि नहीं काम करना चाहिए, और उसी पे वो ब्लाइंडली डिवोटेड रहते हैं, उसे शोविनिस्ट कहते हैं। कॉनोसियर, अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, जो किसी भी आर्ट और क्राफ्ट को बहुत बारीकी से देखता है, उसे कॉनोसियर कहते हैं। कंटेम्प्रेरीज, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। कंटेम्प्रेरीज में दो लोग या दो लोग एक साथ जब एक ही टाइम पे रह रहे हैं, जी रहे हैं, उसे कंटेम्प्रेरीज कहते हैं। कंटेम्प्रेरी आर्ट के बारे में सुना होगा आपने, जो दो आर्ट एक ही टाइम पे बहुत पॉपुलर हो। कंटेम्प्रेरी पर्सन भी होते हैं, जैसे रजनीकांत और अमिताभ बच्चन। कंटेम्प्रेरी पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, बोथ आर लेजेंड्स, दोनों लेजेंड हैं। कॉनवेल इफेक्ट, वन वर्ल्ड इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, जो अपने इलनेस के बाद रिकवर कर रहा हो हेल्थ से, उसे कॉनवेलेसेंट कहते हैं। कॉन्क्विट, अ गर्ल और वुमेन हु फ्लर्ट्स विद मैन, जो लड़कों के साथ फ्लर्ट करती है, उस तरह की महिला को कॉन्क्विट कहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, अ पर्सन हु रिगार्ड्स होल वर्ल्ड इज कंट्री, मतलब जहाँ जो लोग जाति धर्म वगैरह या रेस के ऊपर ध्यान नहीं देते और चाहते हैं कि हर तरह के लोगों से एक ही तरह का बिहेव किया जाए, उन्हें कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। जैसे बैंगलोर एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। साइनोश्योर, वन हु इज इन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जिसे जो जैसे डांस कर रहे हैं स्टेज पे, जो बंदा मेन लीड पे है उसे साइनोश्योर करेंगे, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। सिनिक, वन हु स्नेहस विद द बिलीफ ऑफ अदर्स, वो जो कि दूसरे के बिलीफ पे जज करे या उसको उसको क्वेश्चन करे, उसे कहते हैं सिनिक। डेबनॉय, पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन। डेबनॉय सुएवे मीन्स पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन, मतलब जो बहुत सिविलाइज्ड या बहुत अपग्रेड और बहुत कल्चर्ड हो, उसे कहते हैं। डेमोगोग, अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलो विथ बाय हिज ऑरेटरी, मीन्स डेमोजोग, जैसे कि यहाँ पे फोटो दिया हुआ गया है ट्रम्प का, तो ऐसे लीडर्स जो फॉलोअर्स को अपने तरफ ऑरेटरी अपने अलग बातों से अपने उनको ये करते हैं, फॉलो करवाते हैं, तो उन्हें कहते हैं। डेलिटेंटे, अ डैबलर नॉट सीरियस इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर, तो जो सीरियस नहीं हो आर्ट में साइंस में लिटरेचर में, उसे कहते हैं डेलिटेंटे। एफिमिनेट, अ मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट, ऐसा इंसान या लड़का या ऐसा पुरुष जो अपने बात विचार में या रोज की आदतों में महिला जैसा हो। इगोस्टिक, अ लवर टू हिमसेल्फ एंड वन एडवांटेज, जिनमें काफ़ी जो अपने आप से ज़्यादा प्यार करे और अपना ही दे चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे, उन्हें इगोइस्टिक कहते हैं। इगोटिस्ट, वन हु ऑफन टॉक्स अबाउट हिज अचीवमेंट, जो अपने चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं और हमेशा बात करते, उसे इगोटिस्ट कहते हैं। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट अ पर्सन हु लिव्स इन कंट्री सेटल टू अनदर, जो एक देश छोड़ के दूसरे देश में जाके सेटल होता है, उसे इमिग्रेंट कहते हैं। एपिक्योर, वन हु इज फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, कोई ऐसा जिसको प्लेजर मिलता है खाने में या पीने में और वो उसी साथ समय बिताना चाहता है, उसे एपिक्योर कहते हैं। फास्टिडियस, अ वन इज हार्ड टू प्लीज, फैटलिस्ट, वन हु बिलीव्स इन फैट, दो इसके मीनिंग है। एक तो वो है जिनको आप बहुत मुश्किल से प्लीज, मतलब जल्दी वो खुशी नहीं होते, उन्हें कहते हैं फास्टिडियस, या फिर वो जो कि किस्मत पे भरोसा करते हैं उन्हें भी फास्टिडियस कहते हैं। फेमिनिस्ट, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो महिलाओं की शक्ति के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उन्हें फेमिनिस्ट कहते हैं। फुगेटिव, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो न्याय से भागता हो, उसे फुगेटिव कहते हैं। गॉरमेड, अ लवर ऑफ गुड फूड, मतलब अच्छे खाने को से प्यार करने वाले, या फिर अच्छे खाने को उसके ऊपर रिसर्च करने वाले, उसको बनाने वाले, ये करने वाले, उसे गॉरमेट कहते हैं। गॉरमेट, अ कॉनोसियर ऑफ फूड, गॉरमेट मतलब बहुत सारे जैसे कि सॉसेस होते हैं या बहुत सारे सूप्स होते हैं, गॉरमे उसको बोलते हैं, जो खाने के एक बहुत सारे ग्लैमरस
पार्ट को, बहुत सारे सॉसेस को गॉर्मे कहते हैं, सब चीज को। हैंड पैक्ड, हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, एक ऐसा पति जो जिसको उसकी वाइफ रूल करती है, उन्हें हैंड पैक्ड कहते हैं। हेडोनिस्ट, वन हु बिलीव दैट सेंसुअल प्लेजर इज अचीव गुड, वो जो बिलीव करती है कि सेंसुअल प्लेजर सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हें हेडोनिस्ट कहते हैं। हेराटोइक, वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, ऐसे लोग जो रिलीजन के खिलाफ काम करते हैं, उन्हें हेराटोटिक कहते हैं। ये किसी भी एक रिलीजन से स्पेसिफिक नहीं, हर रिलीजन में ऐसे लोग होते हैं। हार्वी वोरस, जो हर्ब्स खाते हैं, जो पेड़ पौधे खाते हैं, उन्हें हार्वी वोरस कहते हैं। ऑर्नरी, वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, जैसे कि नन, जैसे मदर टेरेसा, सेंट्स, जो कि एक पोस्ट होल्ड करते हैं पर बिना किसी सैलरीज के करते हैं। हाई ब्रो, अ पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर इन कल्चर इंटेलेक्ट, ऐसे लोग जो अपने आप को कंसिडर करते हों कि भाई हम सबसे बड़े हैं और कल्चरली हम और इंटेलेक्चुअली हम ज़्यादा जानते हैं, उन्हें हाई ब्रो कहते हैं। हाइपोक्रोनिडियाक, वन हु इज ओवर एंशियस अबाउट हिज हेल्थ, जिसको अपने हेल्थ के बारे में थोड़ा ज़्यादा ही फिक्र होता है, उनको ज़्यादा ही केयर करते हैं, उन्हें हाइपोक्रोंडियक कहते हैं। एक तरह का ये मेंटल स्टेट होता है। इक्नोक्लास्ट, वन हु इज़ द ब्रेकर ऑफ इमेजेस एंड ट्रेडिशन, जो इमेजेस और ट्रेडिशंस को ब्रेक करता है, उसे इक्नोक्लास्ट कहते हैं। इलिटरेट, वन हु डज नॉट रीडिंग, डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग। इलिटरेट मतलब जो अनपढ़ हो, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता हो, उसे अनपढ़ कहते हैं। इमिग्रेंट, अ पर्सन हु कम फ्रॉम अ कंट्री, फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटलिंग, कोई दूसरी जगह से अगर आपके देश में आए और वहाँ पे रहने और सेटल होने के लिए रहने लगे, तो उसे इमिग्रेंट कहते हैं। इम्प्रेगनेबल, दैट कैन बी एंटर्ड बाय फोर्स, कैन नॉट बी। सो इम्प्रेगनेबल मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आप शक्ति डालकर भी उसके अंदर नहीं घुस सकते, ऐसे बहुत गुफाएं या बहुत सारे महल या फोर्ट पहले के ज़माने के वहाँ पर। इम्पोस्टर, वन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, इम्पोस्टर मतलब होता है जो अपने आप को कोई और दिखाने की कोशिश करता है। इनडेफेटिगेबल, वंस हु डज नॉट टायर ईजली, जिसे जल्दी थकान नहीं होती, उसे कहते हैं। इंट्रोवर्ट, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, जो अपने आप को पूरी तरह से अपने विचारों को या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ना सके दूसरों के सामने, से इंट्रोवर्ट कहते हैं। इंसॉल्वेंट, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जो अपने डेब्ट को पे नहीं कर सकता। बैंकक्रप्ट और इंसॉल्वेंट में फ़र्क है। बैंकक्रप्ट मतलब आपके पास पैसे ही नहीं है, और यहाँ पे इंसॉल्वेंट मतलब आप पे नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें उन्हें कहते हैं इंसॉल्वेंट। इलिटरेट, आइटिनेरेंट, सॉरी आइटिनेरेंट, वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा जर्नी करते रहता है, उन्हें आइटिनेरेंट कहते हैं। इनविजिबल, वन इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, जो जिसको आप डिफीट नहीं कर सकते, हरा नहीं कर सकते, उसे इनविजिबल कहते हैं। इनवेनरेबल, वन दैट कैन नॉट बी हार्म, जिसे हार्म नहीं किया जा सकता, उसे इनवेनरेबल कहते हैं। लिबर्टीन, अ पर्सन हु लीड्स टू इमोरल लाइफ, इमोरल लाइफ मतलब जो एथिकली नहीं रहते, जो मॉरली नहीं रहते, जिन्हें सही सही चीज़ों का आंकलन करना नहीं आता, उसे लिबर्टन कहते हैं। मार्टियर, हु डाइज फॉर अ नॉबल कॉज, जो अच्छे किसी रीजन के लिए मरा हो, जैसे कि हमारे सैनिक बल। मर्सेनरी, वन हु डज समथिंग फॉर सेक ऑफ द मनी, जो पैसों के लिए सब कुछ करते हैं, जैसे टेररिस्ट। मिसैंथ्रोपी, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो इंसान को हेट करे, इंसानियत को हेट करे, उसे कहते हैं मिसैंथ्रोपिक। मिसोगैमिस्ट, वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जिसे शादी से नफरत होती है, उसे कहते हैं मिसोगैमिस्ट। मिसोलॉजिस्ट, वन हु हेट्स नॉलेज, जिनको नॉलेज से हेट होती है, उसे कहते हैं मिसोलॉजिस्ट। नेमसेक, अ पर्सन हैविंग सेम नेम एज अनदर, एक एक ऐसा आदमी जिसका सेम नाम हो और दूसरे के जैसा, उसे कहते हैं नेम सेक। नार्सिस्ट,
जो अपने आप से प्यार करता है उसे नार्सिस्ट कहते हैं। निवोइस, वन हु इज़ इनएक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग, जिनको किसी चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस ना हो, जानकारी हो पर एक्सपीरियंस ना हो। न्यूमी मैटिस्ट, वन हु कलेक्ट कॉइन्स, जो कॉइन कलेक्ट करता है। ओमनीवोरस, जो हर चीज़ खाता है जैसे इंसान। ऑप्टिमिस्ट, जो हमेशा किसी भी सिचुएशन में अच्छा चीज़ या ब्राइट साइड या पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करता है, उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। ऑर्फन, जिसके माँ बाप नहीं हो, जिसके पेरेंट्स नहीं हो, उसे ऑर्फन कहते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब जो मैनकाइंड से प्यार करता हो और काम करता हो उसके लिए, उसे कहते हैं। फाइलोजेनिस्ट, वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, जो मल्टी लैंग्वेज होता है उसे फाइलोजेनिस्ट कहते हैं। इंडिया में ज़्यादातर फाइलोजेनिस्ट ही हैं। पैसिफिस्ट, वन हु हेट्स वॉर, लव, पीस, जैसे महात्मा गांधी। पेसिमिस्ट, वन हु वर्क्स एट डार्क साइड ऑफ लाइफ, जो जिंदगी के बुरी चीज़ों के ऊपर काम कर ही देखता है और नेगेटिव देखता है। और पेसिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट का उल्टा होता है, वन हु लुक्स एट डार्क साइड ऑफ लाइफ। फ्लैंडरर, वन हु इज अम्यूजेस वन सेल्फ इन बाय लव लव मेकिंग, जो अपने आप को लव मेकिंग के थ्रू खुश रखता हो। फिलिस्टीन, वन हु डज नॉट केयर अबाउट आर्ट और लिटरेचर, उसे फिलिस्तीन कहते हैं। फोस्टम्पस, पोस्ट ह्यूमस, अ चाइल्ड इज बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, बुक पब्लिश आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर, एंड अवार्ड रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ रिसिपेंट। मतलब कि ऐसा कोई बच्चा जो पैदा हो उसके पिता की डेथ के बाद, या ऐसा कोई बुक जो रिलीज हो जो ऑथर की डेथ के बाद, या फिर कोई ऐसा अवार्ड हो जिसे वो मिले, रिसिपेंट को मिले उसके मरने के बाद, उसे कहते हैं पोस्टह्यूमस। फिलाटेलिस्ट, वन हु कलेक्ट स्टैम्प, जो स्टैम्प की कलेक्शन रखते हैं। पेडिस्ट्रियन, वन हु गोज ऑन फुट, आप पेडिस्ट्रियन का साइन देख सकते हैं, सड़कों पे रहता है, जो आप पैरों से चलते हैं। रिक्लॉस, वन हु लिव्स इन सीक्लोजन, मतलब कि जो अपने ही ये में कंक्लूजन में रहता है, उसे सीक्लोजन कहते हैं। सैडिस्ट, जो दूसरे को दुख देख के खुशी जिसे मिलती है, उसे सैडिस्ट कहते हैं। सैमिशियन, वन हु हेल्प्स नीडी एंड हेल्पलेस, जो दूसरे का हेल्प करता हो या जिसे चाहिए उसे पैसे देता हो या उसका हेल्प किसी तरह से भी हेल्प करता है, उस समय ट्रेन कहते हैं। सोमनैम्बुलिस्ट, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, जिसे रात नींद में सोने की बीमारी होती है, उसे सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं। सॉटिक, अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, जो पेन और प्लेजर के लाइफ से अलग हो, उसको उसे डिफरेंट सोचता हो, उसे सॉटिक कहते हैं। स्वश बकलर, अ बॉसफुल फेलो, ये स्वार्थ बकलो मतलब एक आदमी था जो अपना बड़ाई करता था। टिटोलर, वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, जो किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेशन ड्रग ना लेता हो, उसे टिटोलर कहते हैं। टर्मागेंट, अ नॉइजी क्रूअल सम वुमेन, अश्रु, जो लड़ती हो झगड़ा करती हो इस तरह की महिला को टर्मागेंट बोलते हैं। ट्रेंट, वन हु इज रिमेन एबसेंट फॉर ड्यूटी विदाउट परमिशन, जो आप बिना किसी परमिशन के अपने काम ड्यूटी से एबसेंट रहे, उसे ट्रेंट कहते हैं। टॉपर, वन हु इज द हैबिचुअल ड्रंकट, टॉपर शॉट, जो हैबिचुअली खूब पीता हो उसे टॉपर कहते हैं या शॉट कहते हैं। ऑक्सोरियस, एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वन वाइफ, जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, उसे ऑक्सोरियस कहते हैं। वेटरन, जो बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो किसी भी ओकेशन में, उसे वेटरन कहते हैं। वर्सेटाइल, वन हु अडेप्ट वन सेल्फ टू रेडी टू वेरी सिचुएशन, जो हर सिचुएशन में अपने आप पे अडेप्ट कर ले तुरंत, उसे वर्सेटाइल कहते हैं। विटोसो, जो वन हु इज ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन स्टेज, जो अपना स्टेज बहुत ब्रिलियंटली परफॉर्म करता है स्टेज में, उसे विटोसो कहते हैं। वॉलंटियर, वन हु ऑफर्स वन सर्विस, जो अपनी सर्विस खुद से ऑफर करे उसे वॉलंटियर कहते हैं। वर्बोज, अ स्टाइल ऑफ फेस डिफिकल्ट वर्ड, जो ऐसे फे मतलब स्टाइल फेस ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, हाउ डिफिकल्ट वर्ड को स्टाइल फेस करने वाले को स्टाइल फेस, या उस डिफिकल्ट वर्ड को समझाने वाले को वर्बोज कहते हैं।
तो ये स्लाइड यहाँ पर ख़त्म हो गई है, और मैंने इसमें एक वर्ड वर्ड के बाद उसकी मीनिंग समझाई है, इंग्लिश के वर्ड है, ऐसा क्यों है, क्या है, इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये मैथ्स की तरह फॉर्मूले बने हैं, जो वर्ड है उसका मीनिंग ये है, मैंने आपको समझा दिया है, तो होपफुली आपको ये हेल्पफुल लगे, थैंक यू सो मच।